हाँ तो हेलो गाइस, अब हम चकरपानपुर में पहुंच गए हैं और ये देखिए हमारे सामने चकरपानपुर का चौराहा है। यहाँ पे पंडित बाबा का मूर्ति स्थापित किया गया है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं पीजीआई की तरफ। हाँ तो गाइस, आप भी आएंगे यहाँ पर पीजीआई में तो यहाँ पे दो गेट है, ये सेकेंड गेट है, एक आगे गेट है फर्स्ट वाला, तो हम फर्स्ट गेट से चलेंगे। तो वहाँ तो गाइस देखिए ये फर्स्ट वाला गेट आ गया, जिस पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा राजकीय मेडिकल कॉलेज और सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल। आप लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो मेरा आप लोगों को नमस्ते और आदाब। तो गाइस आज मैं आ गया हूँ आजमगढ़ के चकरपानपुर में जो हॉस्पिटल स्थित है पीजीआई। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे सैर कराऊंगा, तो आइए देखते हैं। तो उससे पहले ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, भाई यार अपने छोटे भाई का 1K सब्सक्राइबर प्लीज यार करा दो। तो आइए चलते हैं फटाफट, आप सब्सक्राइब कर दीजिए और हम अंदर लेके चलते हैं आप लोगों को, फिर दिखाएंगे पीजीआई का, जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब। तो हाँ तो गाइस अब हम इंटर कर रहे हैं, देखिए अभी वहीं पे गाइस यहाँ पे गाड़ी पार्किंग होती है, 5 रुपये लेते हैं, तो 5 रुपये की गाड़ी पार्किंग होती है, तो हम गाड़ी पार्किंग कर देंगे क्योंकि यहाँ से गाड़ी काफ़ी चोरी हो जाती है, तो यहाँ पे पार्किंग लगा गया है। तो ये गाइस हमारे सामने पीजीआई हॉस्पिटल है। तो अब मैं आप लोगों को आगे भी लेके चल रहा हूँ, जिधर आपको हेलीपैड मिल जाएगा जिससे हेलीकॉप्टर उतरता है। पीजीआई गाड़ी से 4 फ्लोर का है और ये देखिए हमारे सामने आ गया हेलीपैड जिसपे हेलीकॉप्टर उतरता है। तो ये गाइस कोई खास नहीं है, रोड पे ही बनाया गया है। तो देखिए हम दूर से इसका सीन आपको दिखा रहे हैं। और हम चलेंगे अब पीजीआई के लाइब्रेरी जिधर है, ये देखिए आपके सामने ये लाइब्रेरी है और ये स्कूल जो पीजीआई राजकीय मेडिकल कॉलेज है, तो ये पीछे का उसका दृश्य है, हम अभी आगे से भी ले चलेंगे। ये दाएं साइड का इसका दृश्य है गाइस। देख रहे हैं काफी बड़ा स्कूल है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब ये सब हॉस्टल है गाइस और यहाँ पे देखिए कुछ बोर्ड पर लिखा गया है, तो स्टेडियम है, डायरेक्टर है, आवास है, गैस हाउस है। तो ये देखिए सामने स्टेडियम था और ये गैस हाउस है उधर जो धुआं उड़ा था, और ये डायरेक्टर हॉस्टल कह लीजिए, डॉक्टर का जो हॉस्टल होता है, ये सब है हॉस्टल है डॉक्टर लोगों का जो यहाँ पे रहते हैं। God,
तो अब देखिए ये गर्ल्स हॉस्टल है, ये देखिए गर्ल्स हॉस्टल है, और मैं अब आप लोगों को बॉय हॉस्टल की तरफ लेके चलता हूँ। ये देखिए बॉय हॉस्टल यहाँ पे है। तो अब मैं आप लोगों को यही देखिए, इसी में बच्चे सब पढ़ते हैं, जो ITI क्लियर करते हैं तो ही इसमें एडमिशन लिया जाता है। तो ये मैं खुला था, इसका निर्माण होना शुरू हो गया, मतलब बन गया था, और 2013 में इसमें एडमिशन लिया गया था। तो ये मैं अब आ गया हूँ अंदर, जहाँ पे 1 रुपये की पर्ची कटती है, इस काउंटर पे सामने जो है। तो आप भी आएंगे तो 1 रुपये का पर्ची कटेगा, आपको किसी रोक गए तो। तो अब मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को जिधर दवाई वितरण होता है, मेडिसिन जिधर मिलती है। तो इसी के अपोजिट साइड में गाइस से दवाई वितरण होती है, तो आपको मैं ले चल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, देखिए। ये बड़ा सा हॉल देख रहे हैं आप, यहीं पे दवाई वितरण होती है। तो हाँ, तो गाइस अब देख पा रहे होंगे काफी बड़ा है यार। तो हाँ हेलो गाइस, यहाँ पे जो वॉचमैन चचा थे वो हमको मना करने लगे वीडियो बनाने से, तो मैं बाहर का आपको व्यू दिखाता हूँ। PGI के बाई साइड का जिधर आपका पार्किंग रहेगा, यहाँ से इमरजेंसी वार्ड है, तो इधर से बिजली पास होती है। और मैं अब आपको आगे ले चलता हूँ। ये सब गाइस हॉस्पिटल ही है आप जो देख रहे हैं, इधर सफाई उफाई हो रही है PGI की। और ये कोविड की वैक्सीन जो लगती है तो इधर ही लगती है, PGI के बाई साइड। और ये सब देखिए, इधर जब कोरोना काल था तब इधर ही एडमिट किया जाता था कोविड पेशेंट को, आप अभी दिखा रहा हूँ मैं, देखिए आप देख पा रहे थे। तो ये कोविड पेशेंट जहाँ पे चेकिंग होती है उधर, और ये देखिए आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, यहीं से इंटर होते थे। तो आइए मैं आप लोगों को आगे ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पे कोविड टीकाकरण होता है, तो यहाँ से और आगे भी देख रहे हैं हम, कुछ सफाई उफाई चल रही है, काफी सफाई हो रही है। तो हाँ, तो गाइस आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, अपने छोटे भाई का 1K करा दो। और यहाँ पे कुछ नोटिस बोर्ड मिल जाएगा आपको डायरेक्शन पता करने के लिए। और इसके पीछे, अभी पीछे की सीन में देखिएगा, अब दूसरा वाला गेट आपको दिखेगा, देखिए। तो आपको वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब कुछ ठोक दीजिए।